आप लोग सुन रहे थे, जितने सारे भक्ति के अंगों में सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति अंग बताया गया 64 तरह का, ये भगवत भक्ति के अंग है। जब भक्ति अंग को सार रूप में ली गई, फिर वो हो गया, फिर 9 तरह का उसको भक्ति के अंग बताया। जिस समय प्रह्लाद महाराज को उसको पिताजी ने पूछा, बोले बेटा बताओ तेरे गुरुजी तेरे को क्या सिखा है, उसमें जो सार सिखा, जो उत्तम विद्या तुमने पढ़ी है, वो उत्तम विद्या की बात बता। तब से प्रह्लाद महाराज देखा मेरे गुरु जी ये संधार वर्ग नहीं, मेरे गुरु तो श्री नारद। जब मैं भैया के पेट में था, नारद जी ने मेरे भैया को जो कथा सुनाई, मैंने उसको कथा याद रखी। बोले यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए और पिताजी प्रश्न कर रहे हैं, जितने विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ विद्या सार विद्या बताओ, बोले सबको एक मैं सुना देगा, मेरे गुरु जी ने जो हमें बात बताई ना, मैं सबको सुना देना चाहता हूँ। जितने हमने विद्या पढ़ी सबसे श्रेष्ठ विद्या किया है। फिर तो मैंने धड़ाधड़ बोलने लगे, बोले पिताजी पहले गुरु जी के चरण में और ठाकुर जी के चरण में पहले अपने आप को दे दो, जैसे किसी गैया को आप बेच देते हैं, ऐसे ही संपूर्ण गुरु जी और ठाकुर जी का चरण में संपूर्ण तुम बिक जाओ। फिर बी करके क्या करो, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदन। बल्कि जो नया तरीका जो भक्ति है, भगवान की कथा सुननी, भगवान कथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनकी चरण की सेवा करना, उनको साथ में मित्रता रखना, उनका सखा बनना, जो नया तरीका जो भक्ति पिताजी, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अगर ये विद्या को एक बार कोई पढ़ लिया ना, बस सारी विद्या पढ़ना हो गया, फिर ये जगत का कोई विद्या पढ़ने का हमें जरूरत नहीं। इसलिए आप देखना भले जीवन में तुम्हें जितना विद्या पढ़ लोगे कुछ, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, क्या बोलो जोर से, कोई नहीं बोलेगा तुमने जो PhD की ना इंजीनियर की और CA किया ये सच्चा है, बोले सबके बाद झूठा है। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, इसलिए केवल सत्य है। जितने तुमने भगवान का भजन किया, नाम लिया ना, बस वही धन तुम्हारे साथ में जा रहा है, और जितने तुम्हारी कमाया वो धन सत्य सत्य में ही रख करके जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोल दी, बोले अगर ये 9 तरह का भक्ति की अगर फिर उसका सारांश लिया जाए, कहते वो 5 तरह का है। कहते 5 तरह का क्या क्या है बताओ, क्या क्या 5 तरह का, और बोले 5 तरह का उसमें सारांश लिया, 5 तरह का क्या है बोलो, साधु संग, बोलो 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 बोलो, साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रावण मधुरवास श्रीमूर्ति रसखाय सेवन। देखो ये लड़की रसिया से आई, देखो एक चीज का समझो, ये लड़की आई कहाँ से आई, रसिया से, लेकिन जब शायद ये हिंदी इतना नहीं समझती है, लेकिन मैंने जब बता दिया 5 तरह के लड़के बता दी, लेकिन आप लोगों ने कोई नहीं बताया, लेकिन कौन सा हीरो का नाम बताओ ना, झट झट बोलो बोलो दो, कौन सा हीरोई का नाम पूछो झट फटाफट, कौन सा प्लेयर का नाम पूछो एकदम झट आप बोलो, यही आप मेरे अंदर में करती है। हम हिंदू हो करके ना, हम अपने हिंदू शास्त्र को नहीं पढ़ते, घर में जितनी गंदी गंदी उल्टा पुलटा पिक्चर का छपी नाटक नकल का सब पुस्तक हमारे घर में पढ़ा हुआ रहता है, इसलिए हमारे अंदर में यही कमी है। एक मुसलमान बच्चे को हमने जयपुर में कथा करने लिया था, वो 5 साल का एक मुसलमान का बच्चा था, एक मुसलमान का बच्चा था, मैंने उसे पूछा तुमको कुरान पढ़ना आता है, कुरान आता है, वो छोटा बच्चा ना छाती फुला कर बोला हाँ मेरे को कुरान आता है, उसने छठा लेकर कुरान बोल दिया। मैंने पूछा तुमको कितने उम्र से उसको सिखाई जाती, बोले हमारे मुसलमान धर्म में कंपलसरी उसको 2 साल उम्र में कंपलसरी उसको कुरान पढ़ाया जाएगा। हम क्या करते हैं यार, मंदिर में गए 2-4 परिक्रमा लगा बेल डटर बजा के घर में चले, लेकिन मुसलमान में ऐसे नहीं, वो जाएंगे अपना उसमें और बैठ करके कुरान पढ़े कुमार, उसी तरह हमें भी आ करके अपना मंदिर में थोड़ा गीता भगवत कुरान रामायण थोड़ी पढ़नी चाहिए, तब तक हमारी ज्ञान होगी। पहले विदेश लोग आए थे ना, हमारे सारे संबंध को लूट करके कि फिर दोबारा आ गए विदेश, क्या लेकर जा रहे हमारे भक्ति को लेकर जा रहे, कारण क्या उनके जैसे रहन सहन, उनका जैसे कपड़े, उन
उनका जैसे खाना पीना हम सब उनको नकल कर रहे हैं और वो देख रहे हैं चीज में कुछ नहीं छोड़ करके हमारी चीज को नकल कर रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी गीता भागवत हमें बैठनी चाहिए। इसलिए कहते हैं जो नौ तरह का भक्ति है उसका सारांश रूप में और पांच तरह का भक्ति को उसका सारांश ले लेंगे। कितना तरह के? पांच तरह का है। वो लड़की को बता दे भागवत कथा सुननी चाहिए, साधु संग करनी चाहिए, वृंदावन में वास करनी चाहिए हमें, भगवान की मूर्ति की सेवा करनी चाहिए और भगवान की नाम कीर्तन करनी चाहिए। उसका सारांश रूप में पांच चीज को लिया। जब उसको फिर सारांश रूप में लिए फिर तीन चीज बोली गई। क्या क्या है तीन चीज बोली गई? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। भगवान की कथा सुना, कीर्तन करो, उनका स्मरण करो। जब उसको फिर सारांश रूप में ली गई फिर केवल एक चीज को लिया गया है। कहते वो क्या वो चीज एक क्या है? बले कली युग के बलना हो गया तो जब उसके लिए इतने मांग हम कर लेते हैं
इतने सिंदूर लगा लेते हैं और इतना शंखा चूड़ी पहन लेते हैं, तो वो जो परमपति भगवान है तो उनके लिए कुछ नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ऐसे वर को क्या बने जो जन्मे और मर जाए, वर मरी और श्री गोपाल जो जो जुड़ अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर थी। हाँ, इसलिए कट्टी तिलक मतलब भगवान की दुल्हन है, नहीं तो हम तो दुल्हन नहीं। इसलिए गल में क्या होना चाहिए, कंटी तिलक। और जो तीसरी चीज सबसे महत्व है, भले तुम्हारे पास में पासपोर्ट और तुम्हारे पास में वीजा हो गया, लेकिन अगर पैसा नहीं हो ना, टिकट नहीं हो, तो फिर आप पहुंच नहीं सकते। कहते वो क्या है, कहते भगवान नाम है। ये टिकट है, इसलिए गोलोक वृंदावन जाने के लिए हमारे पास में टिकट होनी चाहिए। इसलिए आप देखना, इसलिए अंतिम समय में जब शरीर छूटता है, यही बोलते बोलते ले जाएंगे क्या, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गठ है, सब विवाद जुदा है। इसलिए हमारे पास में भगवान के नाम रूप की संपत्ति हमारे पास में होनी चाहिए। इसलिए हमने जो ब्रजमंडल परिक्रमा की है, इस सारे भक्ति अंग को जब उन्होंने सारांश रूप में ग्रहण किया, केवल एक चीज लास्ट में थे, बोले हरे कृष्णा, सब हाथ लगे बोले, बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इसलिए हमारे से रूप गोस्वामी कहते हैं, भगवान का नाम सबसे मीठा है। कहते मधुरम मधुरम नेतर मंगलम मंगलाना, मतलब भगवान के नाम में जितने मीठा है, दुनिया में और किसी चीज में इतने मीठा नहीं। उसमें जितने मधुर है, उसमें जितने मंगल है भगवान के नाम में, कहते ना मंगल मंगलाना अमंगल हरि भगवान का नाम। लेकिन रूप गोस्वामी कहते भगवान का नाम तो मीठा है, लेकिन भगवान का नाम तो मीठा, लेकिन किस किस को कड़वा लगता है। जैसे मिश्री मीठा है, मिश्री मीठा है, लेकिन किस किस को अब कड़वा लगेगा, बोले किसको किसको कड़वा लगता है, बता सकते हो। मिश्री तो मीठा है, कड़वा किसको लगेगा बता दो। जिसको पीलिया की रोग हो जाए, जंडिस का बीमारी हो जाए, उसको मिश्री उसको मीठा नहीं, बस जो कुछ खाएगा उसको कड़वा लगेगा। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान का नाम तो मीठा है, लेकिन अभी हमें मीठा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, लेकिन उसको उपाय क्या, बोले उसको उपाय है। पहले इतना कोई मेडिसिन नहीं होता था, अगर किसी को जंडिस की बीमारी हो जाए, उसको डॉक्टर लोग कहते थे तुम मिश्री चूसा करो, लेकिन मिश्री तो मीठा लगे, तेरे को मीठा नहीं लगेगा, अभी तेरे को कड़वा ही लगेगा, लेकिन छोड़ना नहीं, वो मिश्री चूसता रहना, चूसते 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 जब तुम्हारी बीमारी समाप्त हो जाएगी, फिर मिश्री इतने मीठा लगने लग जाएगी, फिर मिश्री तुमसे छूटेगा नहीं, फिर मिश्री नहीं छूटेगा। उसी तरह भगवान का नाम तो मीठा तो है, लेकिन अभी हमें मीठा नहीं लग रहा है, अभी हमें कड़वा लग रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं देखो, इसलिए जोर जबरदस्ती इच्छा नहीं, पर अब देखना टीवी खोलकर कितनी होना पड़ जाएगी, उल्टा पुलटा जिसका कोई मतलब नहीं, पिक्चर हम देखते रहेंगे, लेकिन जब थोड़ी सी हरिनाम के लिए बात बताओ, बहाना बनाना शुरू कर दे, अरे ये हो गया, वो हो गया। रूप गोस्वामी कहते हैं तुमको इच्छा नहीं लगने पर भी, लेकिन ठाकुर के सामने बैठो, माला लेकर बैठो, बैठ करके बड़े आदर करके, हैं, बड़े प्रेम के साथ में बोलो हरे कृष्ण, सब बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जोर से बोलो, जोर से नहीं निकलता है, तब उन्होंने बोले तू बोलता था मारो मारो,
बोले हाँ, बोले बड़ा बड़ा तो बोल सकते, बोले हाँ इतना तो कर सकता। इसलिए कहते उल्टा नाम जगत जगह जाना और बाल की भाई ब्रह्म समाना। बोले नाम ले तो पव सिद्ध सुखाई विचार कर सुमन नमाही। वो उल्टा नाम जप करते करते बराम बराम करते करते इतने विद्वान बना। राम आने से पहले उसने पूरी रामायण लिख दिया। इसी से रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम बिठा नहीं लगने पर भी नाम लो बैठ कर भगवान का नाम एक माला करो। धीरे धीरे करते 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 हमारे सारे पाप हमारी नष्ट होते जाएगी। जितना नष्ट होते जाएगी भगवान का नाम हमें उतना मीठा लगने लग जाएगी। इतनी ऐसे मीठा लगेगा ऐसे मीठा लगेगा करते भगवान के नाम से छूटेगी नहीं, फिर नहीं छूटेगी, फिर तो हृदय साफ हो जाएगी। हृदय में भगवान की सब लीला दिखने लग जाएगी और एक दिन भगवान के प्रेम समुद्र में संपूर्ण हम स्नान कर लेंगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं द्रुत चीत उच्चई। जब तुम्हारे हृदय से हरिनाम लेते लेते जब ये सारे तुम्हारे पाप खत्म हो जाएगा ना, फिर तो नाम लेते ही आंखों से आंसुओं की झड़ी बनने लग जाएगी। हृदय तुम्हारे प्रेम में गदगद हो जाए बनने लग जाएगा भगवान का नाम लेते लेते। जब ऐसे स्थिति आ जाए भगवान का नाम लेकर के आंखों से आंसू की झड़ी बहने लग जाए हृदय प्रेम में गदगद हो जाए, फिर क्या सकते बस हमारा नाम अभी सही नाम हो रही है, सही नाम हो रही है, सब पाप खत्म। फिर क्या होगा इसका फल क्या? बोले हसद क्या था, जैसे टीवी में सीरियल कहते हैं ना, इसलिए कोई कोई कहते हैं ना कहते हमारा तो घर में बीवी है बच्चे है हमारी पिता माता है इनको साथ में हम मन को लगा देते हैं। लेकिन साधु का बीवी नहीं बच्चे नहीं कोई कोई पिता माता नहीं है, दिन भर माला लेकर के ये दिन भर ये माला लेकर के इनका मन कैसे लगता है? कहते हैं इनका मन कैसे है, कोई तो बीवी बच्चे है नहीं इसमें मन कैसे लगा देते हैं? तो वहाँ पर कहते हैं जगत का बीवी बच्चे में तो मन लगा देते हैं लेकिन जब भगवान के नाम करते हैं ना तो भगवान की लीला हमें ठाकुर जी की लीला दर्शन करने को मिलता है। भगवान की लीला में साधु संतोष में ही डूब जाते हैं। ललिता गौर प्रेमानंदे हरि अनुभव निताई